मॉर्निंग एवरीवन। तो और अभी हम चल दिए हैं कहाँ से, विजयवाड़ा से वाइजैग की तरफ। सो अभी एक घंटा हो गया हम वो निकले हुए, और सुबह सुबह का वॉक, सनराइज अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक है, ट्रकिंग वगैरह काफी ज्यादा है यहाँ पर। और अभी क्रेटा ने हमको हाईएस्ट एवर माइलेज भी दिया, पता नहीं कैसे। अभी 15.5 का माइलेज दिया। ये टेबल तैयार हो गया। यस मामा। और अभी सामान होंगे वो भी तैयार हो जाएंगे कुछ ही देर में, और आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में। और यहाँ पर पनीर वॉश होता हुआ, क्या बनाएंगे हम पनीर का? पनीर को फ्राई करेंगे, पनीर क्योंकि अभी हमारे जो कल लेके आए थे वो सब दही में ही सब खराब हो चुका है। हाँ। तो इसलिए अभी बस कोई बात नहीं, पनीर खाएंगे, ब्रेड है, फ्राइड करेंगे पनीर को, ब्रेड भी है, क्या बना रहे हैं? पनीर को कट कर लिया है, और क्या है, यह है कैप्सिकम। अरे पनीर टिक्का हो रहा है क्या आज? कोई बात नहीं, चलो पनीर खा लेंगे। और ये है इधर, यहाँ पे ऑयल, यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, हो चुका है। शोर बहुत ज्यादा आ रहा है हाईवे का, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं बिल्कुल, और देखो बादल हो रहे हैं, इट्स क्लाउडी, सूरज कैसे छुपा हुआ है। 7 या 8 बजे से कर देंगे थोड़ा, जमीन वैसी है ना, नीचे जाता कटते रहते थोड़ा सा। ठीक है चलो फिर, कैप्सिकम, अरे मसाले क्या गिर गए, चश्मा गिर गया है, मसाला बॉक्स जो हमने अपनी लास्ट मतलब सबसे बड़ी ट्रिप जो हुई थी तब मंगवाया था। लास्ट तो हमारी 10,000 की थी 2021 में, उस समय 2020 में भी करी थी एक ट्रिप, तब ये मंगाया था, तो बाद में करी थी। स्वाद अनुसार, एज पर योर टेस्ट, स्वाद अनुसार, अनुसार अनुसार। व्यू बहुत अच्छा, एक तो जगह हमें पहले भी मिली थी जहाँ पे हम रोक सकते थे, मगर एकदम से निकल जाती है, तो सोचा कोई अच्छी सी जगह मिलेगी तो वहाँ जाके रुकेंगे। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वाइजैग, विशाखापट्टनम, जो अभी हम पहुँचेंगे 3-4 आवर्स में। और अपना पनीर रेडी हो गया, पूरा फर्स्ट क्लास, अच्छा दिख भी रहा है। अभी खा लो, गरम है अभी, ब्रेड भी है अपने पास, ब्रेड भी है ना, हाँ ब्रेड सेक लेंगे बस, हो गया और क्या। टेस्टी टेस्टी पनीर, ये वाला खाऊंगी, सब देख लो, ये वाला खाऊंगी पहले मैं। क्यों? मतलब छोटे छोटे से है ना, इसलिए मैं सब पर। इसके अलावा फिर लंच में देख लेंगे, लंच में पनीर आपको और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओह कूद पड़ो, स्टार्ट करो, आओ ये सब डैश करो, गरम गरम है, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। और अभी ये भी आएगा थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ, जिंजर भी डाला है। गजब लग रहा है, अल्टीमेट गजब। और ये तैयार हो गई अपनी पिज्जा सीजनिंग ब्रेड, पिज्जा ब्रेड, पिज्जा ब्रेड,
चीज नहीं है और आप इसको लगा सकते हो अगर आपको ज्यादा बोर है। और क्या होता है इसमें, यही तो होता है और क्या, ये लग गया लो बस और क्या, हो गया पिज्जा तो अच्छा है। और ड्रोन भी जा रहा है हमारा, देखिए हो रहा और ये रोस्ट भी अच्छा हो रहा है क्योंकि स्लो उस पे कर रहे हैं ना। कैसा है गिरा भी दिया, ज्यादा अच्छा लगा और अभी अभी अगर आप ऐसी जगह का यूज़ करते हैं, ऐसी अच्छी जगह जहाँ पे आप छोड़ अपना रुक सकते हैं, खाना वाना बना सकते हैं, तो ये सब करने के बाद आपको जैसा आपको मिला था वैसा ही छोड़ के जाना है। आपको कुछ भी गंदगी नहीं करनी है, जो कुछ भी हमारा गंदगी का था, गार्बेज वगैरह का था, सब कुछ हमने अपना गार्बेज बैग लेके चलते हैं और सब कुछ इसमें लेके चलते हैं। और जहाँ कभी कहीं हमको मिलता है डस्टबिन, हम वहाँ डाल देते हैं। तो स्वच्छता ही अच्छी चीज है। वेरी गुड, ऐसे ही करना चाहिए ना सबको। बी रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, और टूरिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आओ घूमो फिरो, कोई बात नहीं, चलो डाल दो उसमें डाल दो, तो घूमो फिरो अपना चले जाओ। साफ सफाई भी आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आगे चलते हैं, फिर हम अभी इसको अपना समेटते हैं और चलते हैं फिर आगे। कि हम फोल्ड कर रहे हैं सारे सामान, सब कुछ वो करके जा रहे हैं, वाइंड अप हो गया। यस वाइंड अप करो। ओके, सब कुछ हमने वाइंड अप कर दिया अच्छे से और पूरा क्लीन करके जा रहे हैं जैसा हमारा था। हमारे आसपास हमने कहीं कुछ भी नहीं डाला है। हमारा गार्बेज बैग है हमारे साथ है। yes. और अब हम इसे लेके जा रहे हैं, जहाँ भी हमें मिलेगा डस्टबिन कुछ भी हम उसमें डाल देंगे। yes. तो आप जहाँ भी कुछ इस तरह का करते हैं चलेगा, तो अच्छा लगता है, करें अच्छा भी लगता है। और दूसरी बात ये कि जहाँ मतलब गंदगी ना फैलाएं, अपना पूरा अपने साथ लेके जाएं और जहाँ डस्टबिन हो वहाँ डालें। ये इम्पोर्टेंट थिंग है, ये सच में इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर हम ऐसे थ्रो करें वेस्ट को तो थोड़ा सा हमारा पॉल्यूशन है ना मम्मा, अर्थ को पॉल्यूशन पॉल्यूट होगा सॉइल। स्टे ट्यून, थैंक यू। अब आपको मिलते हैं जब हम पहुंचेंगे विशाखापट्टनम। और अभी लिया है छोटा सा ब्रेक, टी टाइम, पहुंचने वाले हैं भुवनेश्वर। बहुत ही ज़्यादा तुम शोर कर लो बोले नहीं देते। तो अभी हम लोग वाइजैग से आगे निकल गए, फिर सोचा कि श्री काकुकुलम जो जगह है वहाँ रुकेंगे, फिर वहाँ भी निकल गए क्योंकि हाईवे से जा रहे हैं तो वो बीच में ही नहीं आ रहा, मतलब मोटर से निकल जा रहे हैं, तो इसलिए करना पड़ा। क्या अब क्या है, अब सीधे डायरेक्ट हम लोग पहुँच रहे हैं कहाँ, भुवनेश्वर। डायरेक्ट हम लोग भुवनेश्वर पहुंचेंगे। और अभी हम आ गए हैं कहाँ, होटल में। yes. चेक इन कर लिया है, बड़ी मुश्किल से होटल मिला और बहुत ही ज्यादा खाना भी बड़ी मुश्किल से मिला है, खाना भी नहीं मिलने वाला था। क्योंकि हम लोग यहाँ 10:30 आए तो होटल, एक दो होटल देखे तो होटल नहीं, सारे फुल है, दो तीन जो देखा जाके। इसके बाद खाना खाया क्योंकि खाना भी नहीं खाया था शाम को, दोपहर को, सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था जो आपने देखा ही हमारा। इसके अलावा बीच में हम खाते पीते रहे, अपना चाय वगैरह जो भी बाहर से खाते रहे वो खाया। अभी डिनर करने के लिए हम जैसे गए तो होटल रेस्टोरेंट वाले ने बोल दिया कि भाई अब बंद कर रहे हैं, क्लोज, अब कुछ मिलेगा नहीं। मैंने भैया खिला दे, भूखे को खाना खिला दे, तो उसने कहा चलो ठीक है कर देते हैं, लास्ट ऑर्डर होगा। और ना जल्दी जल्दी में, मतलब जब उसने शटर वटर सब डाल दिया था, फिर भी हमने अंदर बैठे बैठे खाना खा लिया।
और जल्दी से खाना खा के अभी आए और फिर वहीं से ऑनलाइन बैठे बैठे होटल बुक कर दिया था। ये जिंजर भुवनेश्वर थोड़ा महंगा भी पड़ा हमें को, जैसे हमारा जो बजट चल रहा था उसके हिसाब से तो बहुत ओवर थोड़ा चला गया, मगर कोई बात नहीं। देखते हैं, बहुत थके हुए हैं अभी तो, बस अब तो जाके बस आराम करना है और कल का फिर कल देखेंगे, क्योंकि ये एक दिन के लिए लिया है, कल के लिए फिर देखेंगे या तो इसी कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई और दूसरा होटल देखेंगे। और उसके बाद फिर हम चलेंगे पुरी चलेंगे, क्योंकि आज हम भुवनेश्वर में हैं और पुरी चलना है, और पुरी में हम करेंगे दर्शन भगवान जगन्नाथ के, और अभी कल या परसों में हम दर्शन करेंगे लिंगराज टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल, और भी जो हम जो यहाँ भुवनेश्वर में कर सकते हैं तो वो सब आपको भी कराएंगे और हम भी करेंगे। तो फिर चलिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अच्छा लगे हो तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक बटन। तो फिर चलिए चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।